वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठाकुर जी के लिए सुंदर शॉल बनाने के लिए हमें चाहिए ऊन और एक किरोशिया। ये किरोशिये की मदद से हम एक शॉल बनाएंगे। तो हम शुरू करते हैं। ये देखिए, इसके लिए पहले हमने चेन बना लेनी है। ये देखिए, ये देखिए, ये चेन के अंदर से कैसे निकाल रहे हैं हम, ऐसे। ये चेन के अंदर से 3 2 1, ये इस तरीके से हम ये पूरी चेन के अंदर से निकाल लेंगे। ये देखिए, ये देखिए, हमने ये पूरा बना लिया। ऐसे करते करते हमने ये पूरी चेन से ये इस तरह से बना लिया है। अब हम इसको ऐसे पलटा मार देंगे और इसी तरह से फिर दोबारा बनाएंगे। और इसको बनाने के लिए हमने क्या करना है, अब ये देखिए, ये देखिए, हमने इसके ये इसके अंदर डालना है। ये जो इसके ऊपर आए हैं, ये देखिए, ये इसके ऊपर इन छेद में 3 2 1, फिर अगला छेद 3 2 1, इस तरीके से हम करते जाएंगे। और ये हमारी देखो, ये पूरी चेन बन जाएगी इसी तरह से। ये देखिए, अब ये हमारी दूसरी लाइन भी पूरी हो गई है। अब तीसरी लाइन में हमने क्या करना है, ये देखिए क्या करना है हमने। पहला तो हमने उसी तरह से लेना है, एक ये उसी तरह से ले लिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, डिज़ाइनर बनाने के लिए 1 2 3 4 5, ये 5 चेन ले लेंगे और ये 2 छोड़ के 1 2, पहला तो हमारा था ही 1 2, ये 2 छोड़ के हम इसके बीच में ये देखिए, ये हमने 2 का 1 कर लिया है, ये 2 का 1 कर लिया है। फिर हम 2 छोड़ के 2 का 1 कर लेंगे यहाँ पर, ये 1 2 छोड़ेंगे और 5 चेनों के बाद 2 का 1। इसी तरह से हम पूरी में करते जाएंगे, 1 2 3 4 5। अब ये 2 छोड़ दिए हमने और ये देखिए 2 का 1 हो गया। ये ऐसे हमारे ऊपर ऊपर होते जाएंगे इस तरीके से, 2 का 1 2 का 1 करके। तो इसी तरह से हम ये पूरी लाइन करेंगे। ये देखिए, हम करते जा रहे थे तो ये हमारा ये ऐसे आ गया 2 छोड़ के, और लास्ट में आके फिर हमने उसी के ऊपर एक ये लास्ट वाले ये इसी तरह। अब फिर हम उसके ऊपर
उसी तरीके से बना लेंगे। एक दो तीन चार पाँच, ये हमारा इस वाले में आ जाएगा। अब ये जो चेन्नी है अब हम उनके अंदर करेंगे इसी तरीके से, एक दो तीन चार पाँच, ये इन चेनों के अंदर। ये देखिए ये हमारे इस तरीके से डिज़ाइन बनता जाएगा। ये हमारा फिर उसी तरीके आ गया, फिर हमने पलटा मार दिया, फिर हमने इसको लास्ट वाले को इसी तरीके से कर लिया। फिर वही पांच चेने, एक दो तीन चार पांच, फिर उसी तरीके से ये इसी तरीके से हम पूरा बुनते बुनते लास्ट तक पहुंच जाएंगे। ये देखिए ये हमने इतना बुन लिया है, ये देखिए ये हमारा इतना बुन के तैयार हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, चाहे तो हम और बड़ा भी कर सकते हैं, नहीं तो इतना भी रख सकते हैं, अपने हिसाब से इसको छोटा और बड़ा कर सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है, सेम उसी तरह जैसे इसमें दो छोड़ के ये बनाया था, अब हम उसी के अंदर दो दो बनाएंगे। ये पहला तो हमारा उसी तरह बनेगा जैसे हम बनाते आ रहे हैं, ये अब हर एक के अंदर इसमें एक और एक दो, फिर इसमें अगले में एक और एक। हम दो दो बनाते आएंगे, ये हमारे दो दो बनते जा रहे हैं, ये जैसे हमने आपको पहले बताया था। ये देखिए ये पूरी हमारी इसी तरह से बनती जाएगी, एक में दो दो। फिर दोबारा देखें आप, ये एक और एक दो, ये इस तरह से एक और एक दो, ये इस तरह से हमारी बनती जाएगी, एक और एक दो, एक और एक दो, और ये लास्ट वाला उसी तरह से। ये देखिए हमारी ये एक लाइन और हम पहले जैसी कर लेंगे, क्योंकि इधर भी हमारी दो लाइनें हैं और इधर भी हम दो कर लेंगे, ये एक और इसी के ऊपर और करेंगे। ये ऐसे, ये देखिए ये इसके अंदर ये जो चेन बनी हुई है इसके अंदर ये इस तरीके से हम करते जाएंगे। ये इस तरीके से हमारी ये एक छोटी सी शॉल, इसको हम चाहे तो कितनी भी बड़ी भी बना सकते हैं, चाहे कितनी छोटी बना सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। हम इसको मफरल की तरह भी बना सकते हैं।
ये देखो ये हमारा उसी तरह से सेम ही दर्जा सा तैयार हो गया। तो अब हम इसकी चारों तरफ की किनारी करेंगे। चारों तरफ की किनारी करने के लिए हम एक ही के अंदर, ये जैसे वन है लास्ट लास्ट वाला ये साइड वाला, इसके अंदर कम से कम चार या पांच बार डालेंगे। तो ये एक दो तीन चार, ये हमने इसमें चार बार डाला। तो हम इसमें कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसमें अगले वाले में दो का एक, तीन नहीं बनाएंगे, दो का एक, ये इसको दबाव दे दिया हमने यहाँ पर ऐसे। अब इससे अगले वाले में इसमें ये एक दो तीन चार, और इसमें ये इस देखो साथ में है, इसमें हम दो का एक कर देंगे, कर दिया। और अगले वाले में फिर दोबारा वन टू थ्री फोर, और इससे अगले वाले में फिर दो का एक। इस तरह से हम सभी में एक में दो का एक और एक में चार बार, इस तरह से करते करते हम चारों तरफ की किनारी तक पहुंचेंगे यहाँ तक। तो हम इसको चारों तरफ बनाते हैं। अब ये जहाँ से हमने शुरू किया था वो वाला करने के लिए हमने एक के बजाय दो छोड़ने हैं बीच के, एक दो तीन चार, ये हो गए चार। अब ये देखिए, अब हम ये बीच में दो छोड़ेंगे, एक और एक दो, ये दो छोड़ के दो का एक कर लिया। उसके बाद अगले दो में हम चार बार डालेंगे, एक दो तीन चार, फिर हम दो छोड़ के दो का एक कर देंगे ये, और फिर ये दो छोड़ के इसके अंदर डालेंगे ये ऐसे, एक दो तीन चार, फिर दोबारा वही दो छोड़ के ये, एक दो तीन चार, ये हम लास्ट तक पहुंच गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसी लास्ट वाले में जहाँ से हम शुरू हुए थे ये, वहीं से दो का एक कर देंगे ये हमारा पूरा हो जाएगा। और हम क्या करेंगे, कोण को इसमें से इस तरीके से निकाल देंगे, यानी कि इसको बंद कर देंगे। ये देखिए ये बंद हो गया, ये देखिए ये हमारी परफेक्ट शॉल तैयार हो गई है। इसको और अच्छा लुक देने के लिए हम इसमें ये मोती भी लगा सकते हैं इस तरीके से। तो ये हमने कैसे लगाए हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसको कैसे लगाना है। ये देखिए, ये सुई धागा ले लेना है हमने, एक सिंपल सुई धागा ले लिया, और इसको ये देखिए इस तरीके से, ये किनारियाँ जो निकली हुई हैं इन वाली किनारियों में हमने इन्हें मोतियों को लगाना है। तो ये देखिए, ये हमने इसमें धागा पिरो लिया पहले, उसके बाद हमने एक ये मोती लिया और मोती को इस तरीके से पिरो लिया, और हमने कुछ भी नहीं करना है, तोड़ना नहीं है बार बार धागे को, बस
अब ये इसको ऐसे इसमें से लेते हुए अगले में ले जाएंगे, ये हम अगले में लेके चले। ये हमारा मोती लग गया। इसी तरह से करते हुए हम सभी में लगा देंगे ये। अब हमने इसमें लगाया और ऐसे ही करते करते हम अगले में लेके चले गए सुई को। हर बार हमें धागा तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये इस तरीके से हमारे सारे किनारों पे लगते चले जाएंगे। ये देखिए ये, और ये हमारा धागा इस तरीके से लगा रहे हैं हम कि दिखाई भी नहीं देगा, ऊन के बीच में से छिप जाएगा। ये मोती बड़ी ही आसानी से आपको मार्केट में मिल जाते हैं और सिर्फ 10 या 20 रुपीज़ की पूरी माला आ जाती है, जो हम बहुत सारे मोतियों को यूज़ कर सकते हैं, बड़ी सी बड़ी शॉल बनाने में या किसी और चीज़ में भी, या फिर आपके घर में कोई माला पड़ी हो तो हम वो वाले मोती भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेंगे हम इसको ऊपर की साइड से ताकि हमारा मोती ऊपर आए। ये देखिए कितनी जल्दी हमारे ये सारे मोती लग गए हैं। अब हमने इसको बंद करने के लिए क्या करना है, सिंपल ऐसे ही ये देखिए ये बंद कर दिया और इसको बीच में इसी के कर दिया ताकि ये धागा हमारा दिखाई ना दे। और ये हमने धागे को कट कर दिया। ये देखिए ये हमारा बनके मोतियों वाला डिज़ाइनर। चाहे हम इसको बड़ा शॉल भी बना सकते हैं, मफरल भी बना सकते हैं, या फिर भगवान जी के लिए भी बना सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।